वंदे मातरम शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, आज हम बात करेंगे आपकी बेटी योजना के बारे में। जैसे कि आपको पता है, आपकी बेटी योजना राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित है और जिसमें बालिकाओं को फिक्स जो राशि है वो दी जाती है। अब उसके लिए फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से होंगे, कौन कौन बालिकाएँ पात्र होगी, और अगर मान लो किसी पात्र बालिका का नाम पोर्टल पर नहीं आ रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या अपडेट करनी है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर की तरफ से एक जो लेटर जारी हुआ है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को, और जिसका विषय है कि वर्ष 2024-25 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन प्रस्ताव के क्रम में, यानी आपकी बेटी योजना के अंतर्गत जो भी पात्र बालिकाएँ हैं उनके ऑनलाइन जो आवेदन है वो शाला दर्पण पोर्टल पर, एक पोर्टल है बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल, इस पे भरे जाएंगे। और इसके लिए जो डेट्स है वो क्या होंगी, तो राजकीय विद्यालय द्वारा योजना की पात्र बालिकाओं की सूचना स्कूल लॉगिन से लॉग करने की अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर 2024 है। यानी जो भी पात्र बालिका है उनकी जो भी सूची वगैरह या जो भी इनकी फॉर्म है वो आपको 31 अक्टूबर से पहले पहले अप्लाई करके लॉक कर देना है। उसके बाद में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक या माध्यमिक द्वारा डीओ ऑफिस लॉगिन से उनका प्रमाणीकरण या सत्यापन होगा और वो तारीख होगी 15 नवंबर तक, यानी 31 अक्टूबर तक आपको आवेदन है वो लॉक करने भर करके और डीओ कार्यालय द्वारा 15 नवंबर तक है वो सत्यापित कर दिए जाएंगे। और अंतिम तिथि तक अगर प्रमाणीकरण या सत्यापन नहीं किया जाएगा तो डाटा ऑटो सत्यापित हो जाएगा, जैसे कि अन्य जो भी स्कीम्स में खास करके स्कॉलरशिप वगैरह होता है। तो ये तो हो गया डेट्स की बात कि 31 अक्टूबर तक आप पात्र बालिकाओं के आवेदन है वो आप कर सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि उपरोक्त अनुसार निर्धारित समय अवधि के अनुसार योजना की पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण करवाए जाने हेतु आपके परिक्षेत्र अधीन समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देश प्रदान कराएं जिससे समय पर बालिकाओं को आर्थिक सहायता मिल सके। अब बात करेंगे कितनी सहायता मिलेगी और कौन कौन बालिकाएँ पात्र होंगी, तो इसके लिए यहाँ आगे दिया हुआ है कि जो आपकी बेटी योजना है उसमें गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं और ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से एक का निधन हो गया हो। तो पहली शर्त है कि बालक जो भी बालिका है उसका परिवार है बीपीएल की श्रेणी में होना चाहिए, उसके परिवार के पास में बीपीएल का राशन कार्ड होना चाहिए। आप राशन कार्ड का कलर देख के भी पता कर सकते हैं, सभी को पता है बीपीएल का राशन कार्ड कैसा होता है, यानी उसका परिवार है वो बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए। दूसरा, उसके दोनों माता पिता या एक माता या पिता में से एक का अगर निधन हो गया हो तो वो बालिका पात्र होगी, यानी बीपीएल में नाम हो और माता पिता में से एक या दोनों का अगर निधन हो गया हो तो वो पात्र है। और इसके अलावा बालिका है अगर मान लो कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत है राजकीय विद्यालय में तो उसको 2100 रुपये, और 9 से 12 तक अगर अध्ययनरत है तो उसको 2500 रुपये यानी 2500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये जो मेन जो पात्रता की शर्तें होगी, पहली शर्त कि बालिका राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो, कक्षा 1 से 8 हो सकती है या 9 से 12 हो सकती है, यानी 1 से 12 तक किसी भी कक्षा में अध्ययनरत हो, लेकिन शर्त ये है कि उसका परिवार बीपीएल श्रेणी में हो और उसके माता या पिता दोनों या दोनों में से किसी एक का अगर निधन हो गया हो तो वो बालिका पात्र होगी। अब इसके लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल के जो विद्यालय लॉगिन से, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको प्रपत्र 9 है जो स्टूडेंट का होता है वो आपको अपडेट करना है, और उसके बाद शाला दर्पण पोर्टल पे विद्यार्थी लॉगिन में जो लाभकारी योजनाओं के लिए जो टैब है उसमें जाकर के आपको दो चीज़ें अपडेट करनी है, मैं आपको थोड़ा बता भी दूंगा। बीपीएल और ऑर्फेन यानी सिंगल पेरेंट वाला जो है, अनाथ वाला जो भी है, उसमें से आपको अपडेट करना है। उसके बाद में बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल पे आपको आना है और वहाँ आपको लॉगिन करके स्कीम को चयन करना है और वहाँ से बालिकाओं की संख्या को अप्रूव और लॉक करना है। और स्कूल लॉगिन के बाद में जो लॉक सूचना होगी वो डीओ लॉगिन एलिमेंट्री और माध्यमिक जिस भी डीओ लॉगिन पे होगी उपलब्ध होगी वहाँ के बेनिफिशरी स्कीम मॉडल पे प्रदर्शित होगी और वहाँ ओटीपी के माध्यम से फाइनल सबमिट किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखने की शाला दर्पण पे जो जनाधार है वो ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। जिस भी बालक बालिका का आवेदन करें उसका जनाधार सही होना चाहिए, क्योंकि जो भी राशि होगी वो जनाधार से जुड़े अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट टू बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है, यानी सीधा जो भी लाभार्थी है उसके खाते में जमा होगा। तो या तो बालिका का खुद का खाता है अगर कक्षा बड़ी कक्षा में, तो या उसके परिवार के मुखिया यानी माता पिता का खाता है तो उसमें जमा होगा, लेकिन वो उसकी जो जनाधार है वो प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। तो ये तो आदेश था, ये इसके राजकाज के रेफरेंस नंबर है। अब बात करेंगे, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि एक तो जो उसकी पात्रता की शर्तें बता दी, अब आपको सबसे पहले शाला दर्पण पर आना है और शाला दर्पण पर आपको स्कूल लॉगिन पर जाना है और आपको चेक करना है कि स्कूल लॉगिन में आपको अगर जैसे पहले मैं आपको बता दूँ कि शाला दर्पण बेनिफिशरी पोर्टल पर आपको आना है, तो बेनिफिशरी पोर्टल पर आपको आने
करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से जैसे यहाँ आप नॉर्मल साला दर्पण अगर आप खोलेंगे तो मैं आपको एक साला दर्पण लॉगिन करके बताया, यहाँ से जैसे आप साला दर्पण खोलेंगे तो बेनिफिशियरी रिपोर्टर आपको कहाँ मिलेगा, तो नीचे आपको यहाँ स्क्रॉल करना है, यहाँ जैसे बालिका प्रोत्साहन NMS MGSS शाला सम्मेलन वगैरह इस तरीके से यहाँ स्क्रॉल करते रहना है, और आपको यहाँ SDPMS यानी यहाँ से आप जैसे अगर थोड़ा सा इसको आगे पीछे देखेंगे तो यहाँ आपको देखना है साला दर्पण बेनिफिशियरी मॉड्यूल वाला, तो यहाँ इसको स्क्रॉल करते जाएं और जैसे ही एक आगे आ जाएगा यहाँ से SDBSP यानी साला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने विद्यालय के जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वहाँ से आपको लॉगिन करना है, और यहाँ से जैसे अगर लॉगिन किया हुआ है तब तो ठीक है, अगर लॉगिन नहीं किया तो आप यहाँ से स्कूल लॉगिन या ऑफिस लॉगिन इसमें से आपको यहाँ लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ से अपने साला दर्पण की आईडी और पासवर्ड है वो एंटर करके आपको कैप्चा एंटर करना है, और उसके बाद में लॉगिन होना है। अब लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कैसे ऑप्शन आएगा, यहाँ से जैसे मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आप यहाँ से जो भी कैप्चा है वो आपको एंटर करना है, तो कैप्चा एंटर करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आप कैप्चा एंटर करेंगे आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का ध्यान रखें, और यहाँ से कैप्चा एंटर करने के बाद में आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो लॉगिन पेज खुल जाएगा। अब जैसे यहाँ इस तरीके से लॉगिन पेज खुलेगा इसमें आपके सामने तीन तरह के ऑप्शन आएंगे, अदर स्कीम्स, राजश्री और स्कॉलरशिप। अभी आपने जैसे 30 तारीख इसकी लास्ट थी स्कॉलरशिप पे काम किया होगा तो स्कॉलरशिप का काम यहाँ से होगा, राजश्री योजना में अगर कोई पात्र बालक बालिका बालिकाएँ हैं तो उसके लिए ये होगा। अब आपको अदर स्कीम में जाना है, अदर स्कीम पर जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको अदर स्कीम पर जो भी पात्र बालिकाएँ होगी उनकी सूची यहाँ से हो जाएगी। अब जैसे ये डैशबोर्ड हो गया, आपके कार्यालय का विद्यालय का नाम आ जाएगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट स्कीम, यहाँ से आपको सत्र सेलेक्ट करना है, सेशन है यहाँ से जैसे 24-25 कर दिया, स्कीम आपको यहाँ स्कीम है तो यहाँ से जैसे स्कीम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो तरह की स्कीम शो हो रही है, कस्तूरबा गांधी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट स्कीम, कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना, और दूसरा है योर डॉटर प्लान यानी आपकी बेटी योजना। तो आपको आपकी बेटी योजना पर क्लिक करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो भी पात्र बालिकाएं अगर होगी यहाँ से जैसे व्यू ऑल काउंट्स यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ अभी संख्या जैसे 0 शो हो रही है, यहाँ आप देखेंगे एलिजिबल स्टूडेंट 0, अप्लाइड स्टूडेंट 0, लॉक एप्लीकेशन 0 और टोटल रिजेक्टेड 0, तो अभी तक 0 शो हो रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी बालक का इसमें पात्र नहीं है। अब इसके लिए आपको यहाँ से जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके अप्लाई पे 0 आएगा क्योंकि यहाँ कोई भी पात्र शो नहीं हो रही है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई पात्र बालिका है तो अब मान लो पहले आप उसको एक बार वहाँ से साला दर्पण से अपडेट कर लें, उसके बाद में आपको यहाँ से जो भी फॉर्म है उसको भर करके आपको लॉक करना है और अपडेट अगर ऐसी कोई है तो अपडेट करना है। अब मान लो यहाँ जैसे नो डाटा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे यहाँ साला दर्पण पे जाएंगे तो साला दर्पण पे जो स्टूडेंट टैब है, विद्यार्थी टैब है, इस विद्यार्थी टैब में आपको यहाँ से विद्यार्थी टैब जो है यहाँ आपको क्लिक करना है, और यहाँ विद्यार्थी टैब में आपको लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना इस पर आपको क्लिक करना है, तो लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना वाला जो पेज है वो आपके शो हो जाएगा। अब ये साइट जैसे आउट हो गया तो मैं आपको थोड़ा सा वापस साइट लॉगिन करके बता देता हूँ, तो यहाँ आप जैसे ही लाभकारी योजना वाला जो मॉड्यूल है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है। अब जैसे मान लो 9th क्लास मैंने कर ली, अब यहाँ से आप सेक्शन सेलेक्ट करके आपको शो स्टूडेंट पर क्लिक करना है तो आपके सामने जो भी स्टूडेंट की लिस्ट है वो शो हो जाएगी। अब आपको स्टूडेंट्स में से ये देखना है कि एक तो BPL और एक ऑर्फेन, ये दो कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ से जैसे ये तो PCTS का आ गया, अब यहाँ से आपको BPL कार्ड वाला एंटर करना है, तो अब यहाँ जैसे देखेंगे तो आप कोई भी छात्र है वो BPL में शो नहीं हो रहा है, तो अगर मान लो कोई पात्र बालिका है और वो BPL श्रेणी में तो सबसे पहले आपको उसको यहाँ से जैसे कोई भी एक मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूँ, यहाँ से जैसे कोई बालिका है मान लो जैसे ये बालिका, अब इसके यहाँ स्टेट BPL में अगर उसका नाम है तो यहाँ स्टेट BPL यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और जैसे स्टेट BPL पर सेलेक्ट करेंगे आपके सामने BPL ID और BPL डेट, तो उनको राशन कार्ड पे जो भी नंबर BPL ID के दिए हुए हैं और उसकी डेट वगैरह वो आपको एंटर करके सेव करना है। अब ये थोड़ा सा समय ले रहा है, तो पहला काम तो ये करेगा जो भी पात्र बालिका है उसकी डिटेल्स से आपको यहाँ BPL कार्ड वाले जो एंट्री है, वन टाइम एंट्री है, इस पर आपको अपडेट करना है। जैसे यहाँ से मैंने क्लिक किया तो यहाँ आपको BPL नंबर जो भी है इनके कार्ड पे जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो आपको यहाँ एंटर करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपके यहाँ से है तो वो आपको सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद में आपको वापस ये थोड़ा सा दब गया है तो यहाँ से लाभकारी योजना के लिए अनिवार्य सूचना इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको वापस जो मैं बता रहा था यहाँ से आपको जैसे EWS यहाँ BPL कार्ड है यहाँ पहले सेलेक्ट कर ले क्लास, उसके बाद में यहाँ से जैसे मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली वापस आप यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लें और सो स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना है, और ये करने के बाद में आपको जो BPL कार्ड वाला है उसको एक एक एंट्री को आपको सही करना है, जो भी छात्राएं
बीपीएल परिवार से है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ से अपडेट करनी है। तो यहाँ से जैसे वापस पीसीटीएस गएगा तो यहाँ से एक बालिका के मान लो यहाँ से बीपीएल अपडेट करेंगे तो यहाँ दो काम करने हैं आपको, बीपीएल आईडी एंटर करनी है और बीपीएल के नंबर, और यहाँ से सेव पर क्लिक करना है। जैसे ये आप करेंगे, दूसरा काम आपको करना है कि उसके माता पिता में से एक है वो या तो एक की डेथ हो गई हो या दोनों की, क्योंकि दोनों कंडीशन जब वो फुलफिल करेगी तभी आपको वो पात्र में शो होगी। तो यहाँ से जैसे ये मान लो मैं आप बता रहा था, यहाँ से जैसे कोई भी आईडी है यहाँ एंटर कर ली और उसके बाद यहाँ से आपको बीपीएल एप्लीकेशन की डेट है तो यहाँ से कैलेंडर से आपको जो भी डेट है वो डेट सेलेक्ट करनी, यानी उसका बीपीएल कार्ड है वो कब का बना हुआ है, तो यहाँ से सेव करके आप उसको सेव करेंगे। सेव करेंगे तो बालिका का नाम है वो बीपीएल की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा काम करना है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्लिनिक ऑक्यूपेशन इसके नीचे सबसे सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है ऑर्फेन या सिंगल पेरेंट। ऑर्फेन का मतलब हो गया अनाथ और सिंगल पेरेंट का मतलब हो गया दोनों में से एक माता पिता में से, या तो माता या पिता अगर किसी की डेथ हो गई है तो आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मान लो जैसे कोई बालिका है, अब इसमें जैसे एक यहाँ मान लो बालिका है जो बीपीएल में श्रेणी में थी, इसमें मदर इज नॉट अलाइव यानी माता जिंदा नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर मान लो उस बालिका के फादर अगर जिंदा नहीं है तो आपको उसको इस पर क्लिक करना है, और अगर दोनों पेरेंट्स अलाइव है यानी दोनों पेरेंट नॉट अलाइव यानी दोनों पेरेंट जिंदा नहीं है माता पिता दोनों, तो आपको इस पर अपडेट यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ से सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, अभी जैसे एन ए आ रहा है यानी कोई भी बालक बालिका अनाथ की श्रेणी में नहीं है, कई बार जो शाला दर्पण प्रपत्र पे जो भी डिटेल से अपडेट नहीं होती है तो आपको ये दोनों काम करने हैं, और प्रपत्र 9 भी एक बार जरूर चेक कर लें। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो आप प्रपत्र 9 में जाकर के स्टूडेंट की डिटेल चेक कर लें, और जो बेनिफिशरी मॉड्यूल वाला जो ऑप्शन है यहाँ से जो विद्यार्थी टैब में यहाँ आपके जो बेनिफिशरी मॉड्यूल का ऑप्शन है, यहाँ मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये जो ऑप्शन है लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना, इस पे जाकर के आपको ये काम करना है। दो काम आपको करना है, पहला काम करना है कि उसकी जो बीपीएल कार्ड है उसकी एंट्री करनी है, सेव करना है, उसके बाद में यहाँ से जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है ऑर्फेन सिंगल वन टाइम एंट्रीज की भी है, सिंगल पेरेंट या ऑर्फेन यानी अनाथ है दोनों माता पिता नहीं है या पिता नहीं है या माता नहीं है जो भी स्थिति हो उसके अनुसार उसको अपडेट करके यहाँ सेव पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे उसका नाम है वो बेनिफिशियरी पोर्टल पे शो होना शुरू हो जाएगा। अभी तक जैसे ये बेनिफिशियरी पोर्टल पे नाम शो नहीं हो रहा था, तो जैसे ही आप ये चीज़ें अपडेट करेंगे डेट अपडेट करेंगे तो उस बालिका का नाम है शो हो जाएगा, उसके बाद में आपको उसके फॉर्म को लॉक करना है। अभी ये पूरा प्रोसेस आप करते हैं, अगर कोई भी बालक बालिका इस तरह की पात्र होगी तो मैं अगले वीडियो में उसका लाइव आपको करके बता दूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी बेटी योजना के संबंध में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि बालिका बीपीएल परिवार से हो, उसके माता पिता में से एक या दोनों का निधन हो गया हो, और कक्षा 1 से 8 या 9 से 12 यानी कुल मिला के 1 से 12 तक अध्ययनरत हो राजकीय विद्यालय में, तो उसको जो भी बेनिफिट मिलेगा और उसका जनाधार ऑथेंटिकेट होना चाहिए। अगर उसका नाम लाभकारी योजना के शाला दर्पण के बेनिफिशियरी पोर्टल पर नहीं आ रहा है तो आप प्रपत्र 9 चेक कर लें, बीपीएल श्रेणी उसकी सेलेक्ट कर लें और ऑर्फेन या सिंगल पेरेंट वाली श्रेणी सेलेक्ट कर लें, उसका नाम आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।